दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे प्लेटलेट क्या है और प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है और खून कई तरल पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसमें लाल रक्त कोशिका, सफ़ेद रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स भी मौजूद होता है। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में बोन मैरो में बनते हैं और खून में थ्रोम्बोप्रोटीन नामक हार्मोन के कारण विभाजित होकर खून में मिल जाते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या 150,000 से 450,000 प्रति माइक्रोलीटर होता है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य चोट लगने पर खून के बहाव को रोकना और रक्त वाहिका नली को क्षतिग्रस्त होने से बचाना है। जब प्लेटलेट्स सामान्य से नीचे गिर जाता है तो उसे लो प्लेटलेट्स माना जाता है। ऐसी स्थिति में खून में बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है और तरह तरह की बीमारियाँ होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन आप खाने के कुछ चीज़ों का सेवन करके अपने प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं। चलिए उन आहारों के बारे में जानते हैं। उससे पहले, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। नंबर एक, आंवला। आंवले को विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्वों का भंडार कहा जाता है। आंवले का विटामिन सी शरीर में प्लेटलेट्स का उत्पादन बढ़ाता है, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए आप नियमित रूप से हर दिन सुबह को खाली पेट 3 से 4 आंवले का सेवन करें। अगर आप आंवला इस तरह नहीं खा पा रहे हैं तो आप उसे चुकंदर के जूस में डालकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। आंवला प्लेटलेट्स बढ़ाने के साथ साथ बालों और त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। नंबर दो, पपीते का पत्ता। वैसे तो हम सब पपीते के फायदे के बारे में जानते हैं, लेकिन पपीते के पत्ते भी बहुत फायदेमंद होते हैं। वर्ष 2009 में मलेशिया के शोधकर्ताओं ने माना था कि पपीते का पत्ता डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स बढ़ाने में कारगर है। नियमित रूप से पपीते का पत्ते का जूस पीने से प्लेटलेट्स की संख्या में बढ़ोतरी होती है। अगर आपको इसका जूस पसंद नहीं आता है तो आप इसे पपीते के पत्ते को उबालकर ग्रीन टी के रूप में पी सकते हैं। नंबर तीन, बकरी का दूध। ज़्यादातर लोगों को बकरी का दूध पीना पसंद नहीं होता है, लेकिन बकरी के दूध के फायदे अनेक हैं। बकरी का दूध एंटी इन्फेक्शन, एंटीऑक्सीडेंट और प्रीबायोटिक गुणों से भरपूर होता है। अगर आप गिरते प्लेटलेट की समस्या से परेशान हैं तो आप बकरी के दूध का सेवन कीजिए। बकरी के दूध में सिलेनियम की मात्रा अधिक होती है, जो प्लेटलेट की संख्या को बढ़ाता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। नंबर चार, चुकंदर। प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए आप चुकंदर को अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसे आप सलाद, सूप, सब्जी और जूस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट और होम्योस्टेटिक गुणों से युक्त चुकंदर बहुत लाभकारी होता है। अगर आपको चुकंदर का स्वाद पसंद नहीं आता है तो आप इसे गाजर के रस में मिलाकर पिए। इससे खून में प्लेटलेट्स की संख्या में तेजी होती है और साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होता है। इसके अलावा चुकंदर के खाने से चेहरे पर ग्लो आता है और लाल रक्त कोशिका भी बढ़ती है। नंबर पाँच, अनार। अनार हर किसी को पसंद आता है, शायद ही ऐसा कोई हो जिसे अनार पसंद ना आए। अनार के दाने दिखने में जितने अच्छे लगते हैं उतने पौष्टिक गुणों से भरपूर होते हैं। अनार में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भरपूर पाए जाते हैं। अनार के जूस का नियमित सेवन करने से प्लेटलेट की संख्या में बढ़ोतरी होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ता है। इसके अलावा अनार के सेवन से खून की कमी नहीं होती है।